ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और वर्तमान में 10,662 मंत्र हैं। मंत्र संख्या के विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद हैं। मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र हैं। यही सर्वप्रथम वेद है। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंद रूपय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में से एक मानते हैं। ये संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिसकी किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। ये सनातन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। दोस्तों स्वागत है आपका द स्पाइसी बीजी चैनल पर झलक के साथ। वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। हम हिंदू हैं और हमें हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई भी हमको बहरा फुसला कर हमारे धर्म के अगेंस्ट ना कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा और हाँ, इस एनिमल्स को फीड कराना, हेल्प करना और पेड़ पौधों को पानी देना बहुत ज़रूरी है। मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत पुस्तक है। इसकी प्रारंभिक पढ़ते किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा में सबसे पुराने मौजूदा ग्रंथों में से एक है। ऋग्वेद की ध्वनियों और ग्रंथों को दूसरे सहस्त्रवादी ईसा पूर्व से मौखिक रूप से प्रसारित किया गया है। दार्शनिक और भाषाई साक्ष्य इंगित करते हैं कि ऋग्वेद संहिता के थोक की रचना भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुई थी, जो कि सबसे अधिक संभावना है 8वीं या 9वीं शताब्दी के बाद, क्योंकि ऋग्वेद संस्कृत भाषा में रचित है जो कि देवनागरी लिपि में है। देवनागरी लिपि 8वीं शताब्दी के बाद विकसित हुई। ऋग संहिता में 10 मंडल तथा बालखिल्य सहित 1028 सूक्त हैं। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है, जिसमें एक दैवत्य तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। ऋग्वेद में ही मृत्यु निवारक त्र्यंबक मंत्र या मृत्युंजय मंत्र वर्णित है। ऋग्वेदान के अनुसार इस मंत्र के जप के साथ विधिवत व्रत तथा हवन करने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है तथा मृत्यु दूर होकर सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। विश्वविख्यात गायत्री मंत्र भी इसी में वर्णित है। ऋग्वेद में अनेक प्रकार के लोकोपयोगी सूक्त, तत्वज्ञान सूक्त, संस्कार सूक्त, उदारता रोग निवारण सूक्त, श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त, तत्वज्ञान के नासिकीय सूक्त या हिरण्यगर्भ सूक्त और विवाह आदि के सूक्त वर्णित हैं, जिसमें ज्ञान विज्ञान का चरम उत्कर्ष दिखलाई देता है। इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। ईरानी अवेस्ता की गाथाओं का ऋग्वेद के श्लोकों के जैसे स्वरों में होना, जिसमें कुछ विविध भारतीय देवताओं जैसे अग्नि, वायु, जल, सोम आदि का वर्णन है। ऋग्वेद किसी भी अन्य इंडो आर्यन पाठ की तुलना कहीं अधिक पुरातन है। इस कारण से ये मैक्स मूलर और रुजोल्फ रोथ के समय से पश्चिमी विद्वानों के ध्यान के केंद्र में था। ऋग्वेद वैदिक धर्म के प्रारंभिक चरण को दर्ज करता है। प्रारंभिक ईरानी अवेस्ता के साथ मजबूत भाषाई और सांस्कृतिक समानताएं हैं जो प्रोटो इंडो ईरानी काल से व्युत्पन्न हैं। अक्सर प्रारंभिक इंडोनोर्वो संस्कृति से जुड़ी हैं। 2000 ईसा पूर्व ऋग्वेद का समय ईसा पूर्व 10,000 से अधिक प्राचीनतम माना गया है। मेन टॉपिक्स की बात करते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें 10,028 सूक्त हैं और कुल 10,560 ऋचाएं हैं। इन मंडलों में कुछ मंडल छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है जो वर्तमान समय में उपलब्ध है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों की प्रधानता है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। इस वेद में सूर्य, उषा तथा अदिति जैसी देवियों का वर्णन किया गया है। इसमें अग्नि को आशीर्षा, अपा, धृत, मुंग, धृत, पृष्ठ, धृतलोम, अर्चिलोम तथा वृभ्रलोम कहा गया है। इसमें इंद्र को सर्वमान्य तथा सबसे अधिक शक्तिशाली देवता माना गया है। इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद में 250 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के एक मंडल में केवल एक ही देवता की स्तुति में श्लोक है, वो सोम देवता है। इस वेद में बहुदेववाद, एकशेश्वरवाद, एकात्मवाद का उल्लेख है। ऋग्वेद के नास दिए सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन है। इस वेद में आर्यों के निवास स्थल के सर्वत्र सप्त सिंधव शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें कुछ अनार्य जैसे पिशाचकार, सीमितियां आदि के नामों का उल्लेख हुआ है। इसमें अनार्यों के लिए अव्रत यानी कि व्रतों का पालन न करने वाला, मृदवाच, अस्पष्ट वाणी बोलने वाला, अनास, चपटी नाक वाले कहा गया है। इस वेद लगभग 25 नदियों का उल्लेख किया जाता है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन अधिक है। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है तथा सरस्वती का उल्लेख भी कई बार हुआ है। इसमें गंगा का प्रयोग 1 बार तथा यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है।
ऋग्वेद में राजा का पद वंशानुगत होता था। ऋग्वेद में सूत, रत्नाकार तथा कर्मार नामों का उल्लेख हुआ है, जो राभिषेक के समय उपस्थित रहते थे। इन सभी की संख्या राजा को मिलाकर 12 थी। ऋग्वेद में वाय शब्द का प्रयोग चुलाहा तथा ततर शब्द का प्रयोग करघा के अर्थ में हुआ है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम रस की प्रशंसा हुई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। अस्तो मा सद्गम्य वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है, जो सूर्य को संबोधित करता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इस वेद में गाय के लिए अहन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण मिलते हैं जो दीर्घ काल तक या आजीवन अविवाहित रहती थी। इन कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। इस वेद में हिरण्यपिंड का वर्णन किया गया है। इस वेद में तक्षण अथवा त्रवष्टा का वर्णन किया गया है। अश्विन का वर्णन भी ऋग्वेद में कई बार हुआ है। अश्विन को नास्त्य अश्विनी कुमार भी कहा गया है। इस वेद के 8वें मंडल में सुदास तथा 10 राजाओं के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया गया है, जो कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया। इस युद्ध में सुदास की जीत हुई थी। ऋग्वेद में कई ग्रामों के समूह को विश कहा गया है, जो और अनेक विषों के समूह को जन। ऋग्वेद में जन का उल्लेख 175 बार तथा विश का 170 बार किया गया है। एक बड़े प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है। जनों के प्रधान को राजन या राजा कहा जाता था। आर्यों के 5 कबीले होने के कारण उन्हें ऋग्वेद में पंचन्या कहा गया। ये थे पुरु, यदु, अनु, तर्वशु तथा द्रहयु। विदत सबसे प्राचीन संस्था थी, इसका ऋग्वेद में उल्लेख आया है। समिति का 1 बार तथा सभा का 7 बार उल्लेख आया है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। ऋग्वेद में कपड़े के लिए वस्त्र, वास तथा वजन शब्दों का उल्लेख किया गया है। इस वेद में भिक्षक को देवताओं का चिकित्सक कहा गया है। इस वेद में केवल हिमालय पर्वत तथा उसकी एक चोटी मुंजवंत का उल्लेख हुआ है। इस पाठ को 10 मंडलों में बांटा गया है, जो कि अलग अलग समय में लिखे गए और अलग अलग लंबाई के भी हैं। मंडल संख्या 2 से 7 ऋग्वेद के सबसे पुराने और सूक्ष्मतर मंडल हैं। ये मंडल कुल पाठ का 37% है। अब भाषा की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल से पहले का ये काल, जिसमें ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना हुई थी, इन ऋचाओं की जो भाषा थी वो ऋग्वैदिक भाषा कहलाती है। ऋग्वैदिक भाषा हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है। इसकी परवर्ती पुत्री भाषाएं अवेस्ता, पुरानी फारसी, पाली, प्राकृत और संस्कृत हैं। मातृभाषी ऋग्वैदिक भाषा के मूल मातृभाषी संस्कृत भाषी हिंद ईरानी थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की अपडेट्स? और भी बात करेंगे हिंदू धर्म और सनातन धर्म से जुड़े शास्त्रों, वेदों और वेदांतों की, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऋग्वेद पर और भी डिटेल वीडियो एक और पार्ट में आएगी, तो प्लीज़ चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।